वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज़ जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जयंतीलाल गड़ा एक भारतीय फिल्म निर्माता हैं जो हिंदी सिनेमा में मुख्यतः फिल्म निर्माण के लिए जाने जाते हैं। जयंतीलाल अब तक हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। मरकरी कहानी, हेलीकॉप्टर ईला, गुमनाम जैसी फिल्में शामिल हैं। फिलहाल आलिया भट्ट की बहुचर्चित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की निर्माता जयंतीलाल गड़ा का नाम चैनलों की फेक टीआरपी के मामले में सामने आया है। जयंतीलाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने चैनल वाओ टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। इस सब के बीच फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग लटकने के आसार बनते दिख रहे हैं। मुंबई पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पिछले काफ़ी समय से टीवी चैनलों की टीआरपी की जांच कर रही है। इस जांच में उन्हें पता चला है कि कुछ चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कथित रूप से गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया है। एसआईटी को सबूत मिले हैं। इन सभी चैनलों ने भारी टीआरपी पाने के लिए केवल ऑपरेटरों का सहारा लिया। कई बड़ी कंपनियों को इन चैनलों ने पैसा खिलाया जिसकी वजह से उनका चैनल लोगों को उस नंबर पर दिखाई दे सके। वाओ चैनल के मालिक जयंतीलाल गड़ा और उनके बेटे अक्षय को भी एसआईटी ने समन भेजा है। वाओ चैनल को मशहूर फिल्म निर्माता कंपनी पेन म्यूजिक चलाती है। पेन का नाम संजय लीला बंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्माताओं में भी शामिल है। इस समय इस फिल्म की शूटिंग मुंबई फिल्म सिटी में चल रही है। गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग की बात करें तो संजय लीला बंसाली फिलहाल इस फिल्म के मुख्य कलाकार आलिया भट्ट और शांतनु महेश्वरी के साथ ही कर रहे हैं। शांतनु महेश्वरी पहली बार आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे। बता दें कि अजय देवगन भी खास रोल में होंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इंडस्ट्री के इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स पर बहस तेज हो चुकी है। सुशांत भी टीवी से फिल्मों में आए थे, ऐसे में आलिया के अपोजिट टीवी एक्टर को देखना इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।